सूरत शहर में लोगों की सेवा करती इंसाफ फाउंडेशन द्वारा आज रोज मांदरवाजा खाते नोटबुक वितरण कार्यक्रम रखवामां आव्यो हतो, जेमां 400 थी वधु बाळकोने नोटबुक अपाई हती। अने आ कार्यक्रम में इंसाफ फाउंडेशन सभ्यों तेमज प्रेसिडेंट मोलाना फैयाज लातुरी साहेब उपस्थित रह्या हता। तेनी साथे सूरत शहर महानुभाव उपस्थित रह्या हता, जेमना हस्ते थी नोटबुक वितरण कराई हती। वधुमां मोलाना फैयाज लातुरी साहेब द्वारा जणाववामां आव्यु हतु के आ कार्यक्रम नो आयोजन देशना बाळकोमां शिक्षणनुं प्रमाण वधे ते माटे करायु हतु अने બાળકોના માતા પિતાને પણ શિક્ષણ અંગે ખાસ ધ્યાન આપવાની અપીલ કરી હતી। મેરા નામ ફૈયાઝ લાતુરી હૈ ઓર હમ લોગ આજ ઇન્સાફ ફાઉન્ડેશન કી તરફ સે સુરત શહેર કે તમામ સ્કૂલ મે પડને વાલે બચ્ચોં કે લિયે તકરીબન 400 બચ્ચોં કે લિયે નોટબુક કા ઇંતજામ કરકે ફ્રી ઓફ ચાર્જ દે રહે હૈ। પ્રોગ્રામ ઇન્સાફ ફાઉન્ડેશન કી ઓફિસ હૈ ઉસકે સામને રખા હુઆ હૈ ઓર ઇસસે પહેલે 2023 કે અંદર હમ લોગોને 300 બચ્ચોં કો દિયા થા और इस वक्त में तकरीबन 450 बच्चों को हम लोग देने जा रहे हैं। हमारे बस ये कमेटी के साथी हैं और जो लोग डोनेशन दे रहे थे उन लोगों को भी हमने इनवाइट किया है, वो लोग भी सब आ रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी देर में आएंगे वो लोग भी। बस हमारा ये मैसेज है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एजुकेशन की कमी है तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ, एक वक्त का खाना कम खाएँ लेकिन एजुकेशन के अंदर ध्यान दें। हम आज हमारे देश का हाल देख रहे हैं कि अनपढ़ों के हाथ में जब देश गया है तो हमारे देश का क्या हाल हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन में ध्यान दें। और हम हमारी संस्था की तरफ से आगे सोच रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल की फ़ीस वगैरह नहीं भर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आगे चलकर उनकी फ़ीस का भी इंतज़ाम करेंगे। बस मेरा मैसेज यही है कि हमारे देश के अंदर जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, गरीब लोग हैं, उनको पढ़ाए और एजुकेशन में बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। पढ़ने लिखने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, LK स्टार न्यूज़, सूरत।